सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और दोस्तों उसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी दोस्तों जो भी काम होता है बैंक का वो ऑनलाइन कर लेते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों का सवाल है कि क्या वो ऑनलाइन अपने अकाउंट का जो एड्रेस होता है, हमारा जो परमानेंट एड्रेस होता है, क्या वो उसे वो ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी बारे में आपसे वीडियो में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या आप अपने एड्रेस को ऑनलाइन चेंज कर सकते हो या फिर नहीं, अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो। दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करते हैं जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में आप अपने चेक को अप्लाई कर सकते हो, अगर आप डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसे ऑनलाइन कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ तक आप अपनी ब्रांच भी चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। बट दोस्तों एड्रेस की बात आती है एड्रेस चेंज करने की, तो उसके लिए दोस्तों आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें आप दोस्तों अपने परमानेंट एड्रेस को अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन चेंज कर सको। अगर दोस्तों आप चेंज कर भी लेते हो फिर भी दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने मोबाइल में आप अपने बैंक में अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो, अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो दोस्तों आप एक बार अपने ब्रांच जाएं और वहां जाके आप इजीली तरीके से अपने परमानेंट एड्रेस को चेंज करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके जो कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन होती है उसमें कि आप अपना एड्रेस चेंज कर सको। दोस्तों अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा जिससे आपका एड्रेस अच्छी तरीके से चेंज हो सकता है एक ही बार में। और दोस्तों अगर आप डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो या फिर चेकबुक अप्लाई करना चाहते हो या फिर दोस्तों आप कुछ अपनी ब्रांच चेंज करना चाहते हो कोटक महिंद्रा बैंक की, तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जिन्हें दोस्तों आप ऑनलाइन ही सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही। बट दोस्तों एड्रेस चेंज आपको ब्रांच जाकर ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको अपने मोबाइल से ही अपना एड्रेस चेंज करना पड़े, ऐसा कोई भी दोस्तों अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं आ जाए कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन में। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपको अपनी ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप अपना एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हो और ऑनलाइन एड्रेस चेंज कर सकते हो या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।